क्वेश्चन था कि कन्वीनियंट और इजी हो गया है फॉरेन ट्रैवल वेरी सिंपल और पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट पूछा हुआ था इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट अगर आप ये क्वेश्चन टाइप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई लैक् एक्सप्लेन यू आपने क्वेश्चन टाइप ही चेंज कर दिया आपने लिखा है कंप्लीटली अग्री विद द नोशन ऐसा तो कुछ नहीं था कि ये चीज़ अब है या नहीं है अग्री और डिसअग्री ऐसा कुछ नहीं था उसने कहा दिस इज़ द फैक्ट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट क्वेश्चन दे दिया तो उसने एक फैक्ट बताया उसको नहीं आप चेंज कर सकते कि हाँ अगर उसने कहा कन्वीनियंट और ईजी हो गया ट्रैवल करना उसमें अग्री डिसअग्री करने वाली बात ही नहीं है उसी चीज़ का वो पूछ रहा है कि अगर फॉरन ट्रैवल ईजी हो गया है तो ये चीज हमारे पॉजिटिव में जाती है या नेगेटिव में जाती है यानी कि अगर आप सिंपल सी बात है फॉरेन ट्रैवलिंग अगर आप कहोगे कि इट इज पॉजिटिव डेवलपमेंट तो आप फॉरेन ट्रैवलिंग के पॉजिटिव के बीपीज बनाओगे अगर कहोगे नेगेटिव डेवलपमेंट है मेरे अकॉर्डिंग ये तो आप नेगेटिव के बीपीज बनाओगे और क्या क्या केसेज हो सकते हैं वो तो बात की बात है पहले हम सिंपल देख लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए अब आप मेरे ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इट इज प्लॉजिबल फॉर पीपल टू ट्रैवल ये पॉसिबल है आपने कहा कि टू ट्रैवल अब्रॉड बाय डिफरेंट मीनस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एयर वगैरह एंड पे आपने लिखा है सॉरी uh, यहाँ पे क्वेश्चन था कि इट इज कन्वीनियंट एंड ईजियर ठीक है अब इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड दैट आपने लिखा ये अब अग्री डिसग्री में लेते हैं उसमें आर्ग्यूमेंट होती है उसमें आर्ग्यूमेंट होती है कि जैसे मान लो इट इज़ आर्ग्यूड दैट कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेयर जो है वो कम कर देने चाहिए इससे जो है पोल्यूशन कम हो जाएगा तो इट इज़ आर्ग्यूड एक आर्ग्यूमेंट आई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेयर कम कर दो मैं अग्री हूँ या मैं डिसअग्री हूँ इस तरह से बताते हैं अग्री लेकिन यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो प्रेजेंट फैक्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट क्वेश्चन में और एडवांटेजेस आउट डिस एडवांटेजेज वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें तो अभी इसमें इट इज़ आर्ग्यूड दैट नहीं लिखना इसमें फैक्ट है तो इट इज़ इरिफ्टेबल इरिफिटेबल दैट ले सकते हो या इट गोज विद उट सेट या देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इट इज अनडिनाइबल दैट इनका मतलब होता है कि इसमें कोई शक नहीं है इिफिटेबल मीन्स इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रैवलिंग अब्रोड जो है अब यहाँ पर कन्वीनियंट और ईजी था कन्वीनियंट और ईजी कन्वीनियंट को हम कंफर्टेबल कह सकते हैं और कुछ नहीं ईजी को हम एफर्टलेस कह सकते हैं फैसाइल एफ ए सी एस आई एल ई फैसाइल कह सकते हैं लेकिन आपने क्या लिखा इकनॉमिकल आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया इकनॉमिकल तो होता है सस्ता हो गया लेकिन इन दोनों में से किसी का भी मतलब हो, नहीं होता सस्ता हो गया है और फिजेबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल हो गया प्रैक्टिकल तो पहले भी था feasible प्रैक्टिकल हो गया ऐसा नहीं है क्वेश्चन में ये बता रहा है कि अब हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं कर तो पहले भी सकते थे और इकोनॉमिकल तो क्वेश्चन में है ही नहीं उसने कहा कम्फर्टेबली और इजीली दो चीज़ें कही और दोनों में से आपने कुछ भी नहीं लिखा दोनों ही वर्ड्स आपने चेंज कर दिए दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग तो हमने करना क्या था कुछ भी नहीं और उसमें भी आपने इंट्रोडक्शन में गलती की है आपने सिर्फ लाइक पहले जनरल स्टेटमेंट दिए कि हाँ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये वो उसके बाद हमने क्वेश्चन को रिफ्रेस किया जो आपने गलत तरीके से किया क्वेश्चन को अपने तरीके से बताना इट इज़ आर्ग्यूड दैट नहीं लिखना और क्वेश्चन को चेंज नहीं कर देना कन्वीनियंट को कंफर्टेबल और इजी को एफर्टलेस लिख सकते हैं फिर आई अग्री नहीं लिखना अपने अपनी अपना ओपिनियन के टर्म्स में देना कि इन माई ओपिनियन इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट या नेगेटिव डेवलपमेंट तो उसको कैसे लेंगे फॉर मी इट इज़ अ फेवरेबल एडवांसमेंट फॉर मी के बाद कौम या आई सी दिस एज़ अ फेवरेबल एडवांसमेंट मैं इसे फेवरेबल एडवांसमेंट के तौर पर देखता हूँ नेगेटिव uh, है तो अनफेवरेबल कह सकते हैं अब अगर मैं पॉजिटिव में हूँ तो मैंने दोनों पॉजिटिव के बीपी लिखने टू एम्बाकाबोन के बाद आपने लिखा ट्रैवलिंग अब्रोड अला अलाउज मासिसज टू एक्सपीरियंस ये ठीक है डायरेक्ट हम पॉजिटिव लिखेंगे ट्रैवलिंग अरोड के तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बीपी ठीक बनाया लेकिन क्या आपने पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने लिखा ट्रैवलिंग अब अलाउज मासेस टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन एंड इनक्रीज़ द फीलिंग ऑफ जॉयफुलनेस आपने कहा कि वो कल्चर एंड ट्रेडिशन वो एक्सपीरियंस करते हैं ये पॉइंट आपने टॉपिक सेंटेंस में लिखा जो चीज़ हम टॉपिक सेंटेंस में लिखते हैं उसे हम सेकेंड सेंटेंस में इन अदर वर्ड्स के बाद यहाँ टू बी मोर प्रिसाइज़ ये हमारा सेकेंड लिंकर होता है इसके बाद हम इस ये लिंकर लेके हम अपना पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं टू एम मार्क अपॉन के बाद हम अपना पॉइंट देते हैं इन अदर वर्ड्स है टू बी मोर प्रोसाइस जो भी लिंकर है उसके बाद हम अपना पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं एंड फिर इलुस्ट्रेशन देते हैं तो अपने पॉइंट क्या दिया कि वो डिफरेंट कल्चर्स जो है ट्रेडिशंस जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो इसी चीज़ को इन अदर वर्ड्स के बाद एक्सप्लेन करना था लेकिन हमने इसको हैप्पीनेस के साथ भी जोड़ दिया कि इंक्रीज़ देयर फीलिंग ऑफ जॉयफुलनेस एज कि इससे वो खुश हो जाते हैं कल्चर ट्रीजन एक्सप्लोर करते हैं इससे वो खुश हो जाते हैं क्योंकि ये रीज़न भी अजीब सा थोड़ा सा लग रहा है दे दिया जो आपने डाइवर्सिटी इज सैलियन कॉम्पोनेंट ऑफ हैप्पीनेस क्योंकि डाइवर्सिटी विभिन्नता हैप्पीनेस से हैप्पीनेस का बहुत बड़ा बहुत उससे जुड़ी हुई है मतलब हम खुश तभी होंगे जब हमारे आसपास डाइवर्सिटी है मतलब सेम सेम चीज़ें देखेंगे तो खुश नहीं होंगे मतलब ये एक नया सा अलग सा फैक्ट आपने बता दिया तो मान लो चलो सही भी हो अगर अब इसको सही कौन प्रूफ करेगा आप ही प्रूफ करोगे इन अदर वर्ड्स के बाद लेकिन इन अदर वर्ड्स के बाद मैं देख रही हूँ कि हैप्पीनेस की तो कोई बात ही नहीं हुई इन अदर वर्ड का मतलब क्या होता है कि मैं अपने पिछले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन यहाँ ये हैप्पीनेस से इसको जो जोड़ दिया आपने कि डाइवर्सिटी हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है उस चीज़ को इन अदर वर्ड्स के बाद आप प्रूव नहीं कर पाए तो इसको हटा दो या तो आप सिंपल uh, सिर्फ इतना लेते कि कल्चर एंड ट्रेडिशन वो एक्सपीरियंस करते हैं जिससे वो हैप्पी होते हैं फिर इन अदर वर्ड्स के बाद आप एक्सप्लेन करते हैं कि वो हैप्पीनेस कहाँ से आती है वो क्यों होते हैं कल्चर एंड ट्रेडिशन देख के हैप्पी और अगर वो नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते कि कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सपीरियंस करने के बाद वो हैप्पी क्यों हुआ या कैसे हुआ उसे हैप्पीनेस कैसे मिली या मेंटल सेटिस्फैक्शन कैसे मिली तो उसको पॉइंट को छोड़ दो आपने लिखा एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड uh, इंक्रीज their फीलिंग ऑफ जॉयफुलनेस चलो हम यहाँ तक लेते हैं उसके बाद देखते हैं इन अदर वर्ड्स टू हैव प्लेजर इन लाइफ पीपल आर रेडी टू डू वट एवर इज़ पॉसिबल वो करते हैं ओके एंड विजिट विजिटिंग अबाउट नॉट ओनली अलाउज देम टू ट्राई डिफरेंट कुजीन्स बट ऑल्सो हेल्प देम टू नो एंड एक्सप्लोर द वे ऑफ लिविंग ऑफ फॉरनर्स तो इट मीनस ये कल्चर और ट्रडिशन वाला पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया जैसे आपने कहा था कि कल्चर एंड ट्रेडिशन डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं तो अपने यहाँ का फॉरनर का वे ऑफ लिविंग तो आपने उसी को एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा उसमें आप वे ऑफ लिविंग के साथ मोर्ड्स या एमओ आर एस मोर्स होता है कल्चर मोर्स या ट्रेडिशन उनके वो भी वर्ड ले लेते हैं बिच में क्योंकि हमने क्या करना है पिछले पॉइंट को एक्सप्लेन करना है विच इज़ इम्पॉसिबल बाय स्टेइंग इन द होम नेशन दैट इज़ ऑल्सो फाइन लेकिन फिर हैप्पीनेस के साथ भी थोड़ा सा दे दो ना दिस अल्टीमेटली गिव्स दे हैपीनेस या आ, या मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड मेंटल पीस कुछ भी जो कि आप क्योंकि पिछले पॉइंट को जस्टिफाई करना ये याद रखना है कि अगर आपने कहा कि कल्चर टिशन एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते हैं जिससे उन्हें जॉयफुलनेस मिलती है तो ये ओवरऑल पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन होना चाहिए कि हाँ कैसे या थोड़ा सा इसको ओवरऑल पॉइंट को इलाबरेट करना है Survey conducted by Times now revealed that number of visitors travelling to foreign got more than double compared to past year, and they are delighted, delighted. and as per their experiences, yeah, as per their responses, unke responses ke according. उन्होंने या फिर उन्होंने रिस्पोंड रिस्पॉन्ड किया सर्वे में वैसे डबल डब कहने की ज़रूरत नहीं थी सिंपली कह दो कि जो विजिटर्स गए उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया कि वो डिलाइट हैं डिफरेंट कल्चर्स एक्सपीरियंस करने के बाद एग्जांपल इज़ फाइन क्योंकि इसमें आपने डिलाइटेड वर्ड भी ले लिया और कल्चर्स भी ले लिया मतलब डिफरेंट कल्चर भी एक्सपीरियंस करे और खुश भी यानी कि आपने ओवरऑल एक ही पॉइंट लेकर चले हो थोड़ा सा बस यहाँ पर मुझे डाइवर्सिटी इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ हैप्पीनेस इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली uh...